फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी दी तरफों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 4 ਕੱਪ ਚਾਏ ਜੀ ਹਾਂ 4 ਕੱਪ ਚਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੌਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ हरमन जी इस चीज का बहुत बहुत वधाई दे हकदार हो बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक सपने नू पूरा करन दे विच जी हाँ एक फिल्म फिल्म नहीं होंदी उहदे पिछे बहुत सालां दी मेहनत ते बहुत सालां दा सपना कनु सरकार कीता है ते इहदे वास्ते तुहानूं बहुत बहुत मुबारक थैंक यू भाजी थैंक यू सो मच अगर आपां गल करदे हैगे आ फिल्म दी 4 कप चाय हां जी ते शुरुआत किदां होई फिल्म दी हुण तां फिल्म लगन जा रही है थिएटर दे विच आ रही है लेकिन शुरुआती किदां होई सब तों पहलां तां मैं थैंक यू करदा फ्रेंड्स टीवी दा कि सानू इत्थे बुलाया और इंटरव्यू दा मौका दित्ता बाकी जे असी शुरुआत दी गल करिए हर शुरुआत लिए एक स्टोरी तो स्टार्ट हुंदा है काम एक कॉन्सैप्ट चाहिदा हुंदा है बिकॉज दैट्स अ मेन बैकबोन ते सब तो पहला एक कॉन्सैप्ट रेडी कीता सीगा असी ते उहदे ते फिर वर्क करना स्टार्ट कीता कि की कास्टिंग होएगी किदां होएगा सब कुछ ते लकीली शौर्य मैनू मिल गया सीगा वी वर फ्रेंड्स ते असी एक दो महीने सोचते रहे कुछ करांगे इहने भी मैनू फोन किया कि की प्लैनिंग है किदा है ना मैं कहा कॉन्सैप्ट है तू घर आ जा रीड कर लैने फिर मैंने कॉन्सैप्ट सुनाया इन वधिया लग्या कहिंदा करते हैं उत्थों ही बिगनिंग हो गई सी ते किन्ना समय लगा बिकॉज इट्स अ लोंग टाइम क्योंकि वी हर्ड कि यह 2-3 साल पहले फिल्म स्टार्ट हुई सी जी जी ते उनु कोविड दे करके थोड़ा लंबा खिंचया गया हां जी शूटिंग पार्ट तां भाजी 23 डेज च खत्म हो गया सी 25 डेज मैक्स ते सारा इंडिया होया हाँ जी और 40 दिन एडिट भी होगी सी मूवी उस तो बाद ओके उस तो बाद पोस्ट प्रोडक्शन दी सब तो बिकॉज कोरोना आ गया इतने बुश फायर हुई सी जदों असीं आए हैं बुश फायर खत्म हो रही सी और फिर फ्लडिंग स्टार्ट हो गई कोविड स्टार्ट हो गया उत्थे 1.5 साल साडा वैसे ही बंद हो गया सी उस तो बाद पोस्ट स्टार्ट होया फिर 4-5 महीने हो 2 साल हो प्री प्रोडक्शन दे 8 महीने हो 2 साल अप्रोक्सीमेट 8 मंथ्स Shaurya, what do you feel after 2 years and 2.5 years of hard work and patience? जब जब बंदा फिल्म करता है या तो फिल्म तो बाद एक excitement and especially जो 2-2.5 साल पहले किता सी 2-2.5 साल कितनी चीजें change हो गई हैं Change when you are looking yourself on the screen, going to be on the screen, है ना sharing with the all viewers of the world. की डिफरेंस की लग रहा है लुक चेंज तो बहुत हुआ है 2.5 साल पहले एक्साइटमेंट तो था और अभी भी है पर मेन चीज हमने किया हम दोनों ने इज ट्रस्ट द प्रोसेस जो है फेथ रखो अपने काम पे हमने प्रोडक्ट तो बना दी पर उस पर फेथ रखना सबसे बड़ी बात है हमारे लिए तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट कोविड के वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे प्रोडक्शन में भी हमारे फैमिली के साथ भी दिस अ लॉट ऑफ सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई कि हमारा फोकस मोर फैमिली रिलेटिव्स उस पर चला गया था पर पीछे इन द बैक ऑफ माई माइंड वी ऑलवेज थॉट कि यार ये फिल्म है ये निकालेंगे सब ठीक हो जाएगा एंड जस्ट वेट टू द एंड कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तो प्रोसेस पे अगर ट्रस्ट करो डेडिकेशन हो मोटिवेशन हो तो जितना भी टाइम लगे पर एंड रिजल्ट आएगा बस मेन ये यही है लाइक फेथ I feel like that it's if you will go in a positive way. Yeah. कि ये अच्छे के लिए भी हुआ because you guys take more time for edit, pre-production. Yes. कि किस तरीके से उसको और groom किया जाए. Timing was really good. अभी जो timing है ना like this is the time people want to watch movies and this is the time we feel like अब हम ready हैं दिखाने के लिए सबको कि आओ हमारा movie देखो 4 कप चाय और जितना हमने मेहनत किया है 3-4 साल बाद finally हम दिखा सकते हैं सबको. तो अगर मैं पूछूं कोई ऐसी बात जो सेट पे हुई हो फिल्म को छोड़ के सेट पे हुई हो जो कभी ना भूलने वाली हो यादगार ऐसे तो बहुत ही हुए हैं बहुत एक, एक नहीं है एक तो मैं एक चीज बता दूं हम सेट पे एक्चुअली हम जो 23-25 दिन के लिए हमने शूटिंग किया उसमें मैक्सिमम हर रात को स्लेप फॉर 4 आवर्स हमारा शूट चलता था 1-2 बजे तक हमने हरमन भाई सुबह सुबह 5 बजे चाय के साथ आते थे सब सारे एक्टर्स को उठाने आ जाओ तो 3 घंटे का हमारा नींद था एवरी सिंगल नाइट तो मेकअप थैंक गॉड टू मेकअप ने हमें बचा ली क्योंकि हमारा शूट ही ऐसे चलता था
और एक एक तो हमारा ऐसा सीन था जिसमें हरमन भाई और मैं हम साथ में हमने रोल किया था फाइनली आई थिंक आफ्टर 20 डेज. तो उसमें फनी चीज यही था कि कॉमेडी थोड़ा हमारा एक तो सीरियस सीन था उसमें इतना कॉमेडी निकला ना भाई यहाँ पे पुशअप्स मारे हैं मैं यहाँ पे हंस रहा हूँ हमारा शूटिंग नहीं हो पाया ठीक से क्योंकि हमारा इतना इनके साथ जो एक्टिंग करने में जो मजा आया ना आई कुडंट आफ्टर 20 डेज फाइनली. वही जब आप मूवीज में आते हो आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हो वही सबसे डायलॉग्स इंप्रेशंस तो उस टाइम हमारे लिए एडिटिंग एडिटिंग सब भूल जाती है ना सो वी फोकस ऑन दैट थिंग. तो एक रात पहले हम जो नेक्स्ट डे की डिस्कशन थी वो जरूर करते थे सुबह उठ के भी करते थे और टीम को बोलते थे सेट जल्दी लगा क्योंकि 3 घंटे इज फॉर पैकअप एंड सेटअप सो 6 आवर्स तो वही निकाल दो ऊपर से सर्दी है इंडिया की क्योंकि वो सारा सेटअप लगाने में बहुत टाइम लगता था. पर ऐसा नहीं है कि हमने फन नहीं किया हमने बड़ा अच्छे तरीके से इसे पॉजिटिव जिस तरीके से आपने इस फिल्म में डायरेक्शन भी दी है और साथ में एक्टिंग भी की है एंड सेम टाइम पे दोनों किरदारों को निभाना इट्स नॉट अ इजी टास्क. सो अपनी एक्टिंग में क्या आप इस मूवी में विलन का रोल कर रहे हैं? इट्स नॉट अ विलन इट्स बेसिकली सपोर्टर मैं सपोर्ट कर रहा हूं इनको इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड स्टफ और बिकॉज मेरा रोल इतना ज्यादा लंबा नहीं है इसमें तो फिर मुझे टाइम मिल गया मैनेज करने का बिकॉज DOP यू नो वो कैमरे को देख रहा है आई एम नॉट. तो मैंने तो एक बार डायरेक्टर मॉनिटर पे देख लिया क्या ब्लॉग है अब इसके बीच में जाना और उसको मूवमेंट्स बता दिए मैंने ट्रॉली मूवमेंट थी या जो भी थी मैंने उसको बोल दिया था. ही नोज DOP इज़ वेरी स्मार्ट एज लॉन्ग एज यू सेट द वाइट बैलेंस एंड एवरीथिंग फॉर हिम ही इज़ गुड टू गो. सो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये 21 तारीख को इसका प्रीमियर होने जा रहा है करके उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मूवी से? आई थिंक ये तो देखने वाले बताएंगे लिए हम आवर जॉब वाज टू डू द हार्ड वर्क एंड वी हैव डन द जॉब. तो अभी इसका क्या होता है वो तो लोग बाहर ये कहां कहां पे वर्ल्ड में आ रहा है सो फार अभी जो प्रीमियर है वो 21st को है सिडनी में उसके बाद वी विल गेट ऑफ कोर्स इज कमिंग इन द इंडिया एंड वी आर फ्लाइंग इन द फिजी आल्सो. ओके बहुत बढ़िया. तो जिस दिन फिजी है फिर वी विल फ्लाई 2 डेज फिर उस और बाकी इंडिया में भी आ रहा है वो भी बात हुआ सब डालना अभी लिस्ट इसके बाद आएगा तो मुझे नहीं पता अभी क्या होगा बट ये है कि सबको यही रिक्वेस्ट है कि शौर्य की एक्टिंग और डायरेक्टर की एक्टिंग हरमन जी आप डेफिनेटली और सबने बहुत उम्दा काम किया है. हमने पोस्टर उसका देखा 4 कप चाय और 4 कप चाय का मतलब मैंने डायरेक्टर को ये बोला था कि जब भी आप आना तो हमारे लिए चाय जरूर लेके आना लेकिन कैसे पता लगा ये सेट पे जाते थे तो सुबह सुबह उठ के चाय लेके जाते थे सबको उठाने के लिए और हमारे लिए आप चाय नहीं लाए. नहीं आप जब वहां पे आओगे ना तो तो आपके लिए ये जरूरी है कि 4 कप चाय अगर हमें 5 कप चाय चाहिए हो तो सर ऐड हो जाएगी. तो हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग अप एंड शौर्य व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट कि अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स का ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं अभी अगर 4 साल हमें इसी पे लगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हमने सोचा हुआ है हमने प्लान बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत है पर मेन चीज़ ये है कि जो हम काम अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करो और उसमें जितना रंग लेके आ सकते हैं उसमें रंग लेके आओ फिर आगे का सोचते हैं. दैट्स ब्यूटीफुल एंड बेस्ट विशेज थैंक यू सर. एंड हम सारे के सारे 21 तारीख को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में ये मूवी रिलीज हो रही है उसके बाद काफ़ी सारी लिस्ट आएगी एंड आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पूरी टीम को मिल सकते हैं मैं तो अभी मिल रहा हूँ और आपको ये देखना है 4 कप चाय का टेस्ट अगर आपको चीनी ज़्यादा चाहिए या नहीं चीनी चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं हरमन जी को और हरमन जी चाय बनाते हुए चाय देते हुए इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे. एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट्स है क्योंकि हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उठ के इंडिया में जाके ये स्टेप लेना इट्स नॉट अ इजी टास्क. तो दोस्तों आप सबका प्यार आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी सपोर्ट टीम को बहुत बहुत चाहिए और इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत बहुत बहुत बधाई और आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सबको? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज 21st को आप आए जिनकी बुकिंग हो चुकी है बिकॉज आई थिंक इट्स प्रीटी मच फुल तो अपना प्यार दें आके बस बात करो जी. और ये मूवी बेसिकली फ्रेंडशिप पे है
इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, तो सारे जॉनर्स को टच किया हमने. बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया. वी वुड लव योर सपोर्ट, सो प्लीज कम 21st of June और सी अस इन द सिनेमास. डेफिनेटली. और शौरक के साथ फोटो लेना मत भूलिए. दोस्तों मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक्स. थैंक यू.